जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस शेयर में। दोस्तों यहाँ नहीं कि आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की आज बड़ी न्यूज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज का न्यूज़ ही कल का मार्केट ओपन होने पर डिपेंड करता है। पहले हम लोग नज़र डालेंगे कि आज कितना क्या कौन सी मिड कैप, कौन सी इंडेक्स, कौन सा स्मॉल कैप या फिर जितने भी इंडेक्स हैं ना, तो वो कितने पर अप हुआ, कितने डाउन हुआ, क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ जो है ना नेक्स्ट डे पर डिपेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल पर इंडेक्स जो भी होती है, जैसे कि डाउ जोन्स, इस ये सब तरीके से जो सब इंडेक्स होती है, इंटरनेशनल मार्केट कैसा रहता है, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं कि टॉप गेनिंग और टॉप लूज़र, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि आईपीओ से रिलेटेड, अगर आप लोग आईपीओ में इंटरेस्टेड रखते हैं तो क्या सब न्यूज़ निकल कर आ रही है, और किसको बाय करना अभी सही रहेगा, किसका गेनिंग रेट सही है, वो सब चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट सब वाली बात बताएंगे जो कि आपको नेक्स्ट डे मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में ज़रूर काम आएगा। दोस्तों से पहले हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि मिड कैप का क्या हाल है। यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हाई जो लगाया था इतना लगाया था, लो इतना लगाया था, बट आज जो है लगभग 1.5% के आसपास लो लगाया है। उसके बाद अगर सेंसेक्स को देख लें तो लगभग ये भी 1% के आसपास गया है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आप यहाँ पे साइड में देख लीजिएगा जो भी पॉइंट हो, बट हम लोग को मीटर है परसेंट पे, ठीक है ना। और स्मॉल कैप जो है वो भी 1% के आसपास गया है, क्योंकि दोस्तों कल जो है ना मार्केट ज़्यादातर डाउन नहीं था, बल्कि साइडवेज था। मार्केट पहले से नीचे आ रहा था बट अब साइडवेज गया, साइडवेज के बाद फिर से मार्केट आज नीचे गया है। तो आखिर क्या सब देखने को मिलेगा, हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। और इंडिया विक्स को तो ये तो कभी जब सभी मार्केट ऊपर रहता है तो इंडिया विक्स नीचे रहता है, जब इंडिया विक्स ऊपर रहता है तो ज़्यादातर मार्केट आपको देखने को मिलेगा कि जिस दिन अगर इंडिया विक्स अगर ऊपर रहा तो उस दिन ज़्यादातर मार्केट आपको डाउन ही देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी मिड कैप 100 को देखें या फिर यानी कि 100 टॉप 100 को देखें तो ये भी 0.25% के आसपास गया है, और अगर इस स्मॉल कैप 100 को देखें तो ये लगभग भी 0.25% के पास यानी कि डाउन हुआ है। और निफ्टी स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप 50 यानी कि टॉप 50 कंपनीज में, ये भी 1% के डाउन पे है, और निफ्टी 100 जो है वो 1% के डाउन पर है। यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहें निफ्टी को, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग दिखा देते हैं, क्योंकि दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, उसके बाद बाकी सब चीज़ को बाद में देखा जाता है। ये लगभग 1% के आसपास डाउन पे गया है। निफ्टी 200 इसको हटाते हैं, निफ्टी 50 जो है इस पर देखेंगे तो 1% डाउन पे है। USD को वैल्यू इस तरीके से आप मिड कैप 50 ये सब स्मॉल कैप आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन कितना आज डाउन, कौन कितना ऊपर रहा, बल्कि ऊपर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ आपको ऊपर इंडिया विक्स ही देखने को मिलेगा। अगर हम लोग देख लेते हैं मेजर इंडेक्स यानी कि इंटरनेशनल इंडेक्स का क्या हाल है, इंटरनेशनल मार्केट का क्या हाल है, चलिए हम उसके बारे में दिखाते हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये इंडियन जो है, इंडियन ये तीनों लगभग, ये चारों लगभग, ये जो है यहाँ पे आप लोगों को इंडिया विक्स पर तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हम लोगों के लिए, ये तीनों जो है, ये तीनों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आज डाउन रहा। और उसके बाद डाउ जोन्स को अगर देखें तो ये प्लस पे ही रहा, 0.5% प्लस पे गया है। SP 50 देख लेते हैं, अगर नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक आज लगभग 0.29 जो है ये डाउन पे है। और इस तरीके से आप लोग S&P TX को देख सकते हैं, लगभग ज़्यादातर साइडवेज आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं तो आपको प्लस में ही देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर नोटिस सबके सामने पे आपको मिलेगा देखने को, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादातर आपको ग्रीन ही नज़र आएगा। सिर्फ यानी कि इंडिया में ये जो इलेक्शन को लेकर के है, ये डाउन आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों अगर आप लोग ना IPO पर कुछ इंटरेस्टेड रखते हैं तो IPO से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। IPO से कौन सी न्यूज़ निकल आ रही है, इसके बारे में चलिए हम दिखाते हैं। पहले मिंट पर से दिखा रहे हैं आपको यह खबर, और ये आप लोग देखना चाहेंगे कि KP ग्रीन एक IPO आने वाला है, और इसका जो इशू बुक हुआ है ना, यानी कि पिछले 3 दिनों में लगभग 29.5 जो है, लगभग 30 ही मानिए 30 गुना ज़्यादा बुक हुआ है सिर्फ 3 दिन में। और इसका GMP यानी कि GMP का फुल फॉर्म ग्रे मार्केट प्राइस होता है, यानी कि आपको जब लिस्टिंग होगा IPO तो उस टाइम आपको कितना में मिलेगा ये चीज़ डिसाइड करता है GMP, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट IPO में GMP ही होता है। और इस तरीके से यहाँ पे आप लोग स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग हाई यहाँ पे देखें, कुछ हाईलाइट आपको दिखाते हैं जो सब मेन वाली सब चीज़ है।
यहाँ पे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ प्राइस बैंड हैज़ बीन 137 to 144, यानी कि 137 रुपया से लेकर के 144 रुपया के बीच पर ये प्राइस है। यहाँ पे इसको लिस्ट किया जा सकता है और इसका जो इक्विटी शेयर जो है लगभग 1,30,00,000 इसको लिस्ट किया जाएगा और ये जो है लगभग 189 करोड़, यानी कि 189 करोड़ का ये आईपीओ इशू किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा और इस तरीके से बाकी न्यूज़ आप जो है केपी ग्रीन गूगल करके आप देख लीजिएगा कि क्या सब है, क्या सब मसला है। बट अगर आप केपी ग्रीन चाहिए तो आप बिल्कुल इस पर आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना 30 गुना ज़्यादा, यानी कि GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस, इसी पर ये डिसाइड होती है कोई भी शेयर लिस्टिंग का जब आईपीओ निकलती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा रखता है GMP, क्योंकि यही बताता है कि उस आईपीओ में कितना पावर है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप ना मार्केट पर देखते हैं, अगर न्यूज़ बेसिस आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप अपना स्ट्रेटेजी कोई फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप न्यूज़ बेसिस पर करते हैं तो एक आपको मिलेगा गाइडर यहाँ पे दोषी, यानी कि सागर दोषी जो है वो एक शेयर मतलब कि बारे में बताया है, रिकमेंड किया है नुवामा रिकमेंड, यानी कि नवीन फ्लोरिंग 3 शेयर ये रिकमेंड किया है इस हफ्ते को लेने के लिए। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे मतलब हम लोग सेबी रजिस्टर्ड फाइनलाइजर कुछ है भाई नहीं, बट यहाँ पे आपको मिंट पर जो खबर छपी है उसका न्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि सागर दोषी जो है वो 3 शेयर के बारे में बताया है जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपको मिल जाएगा बजाज फाइनेंस, जो कि कल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक मिल जाएगा आपको गुजरात गैस मिल जाएगा, और एक जो है नवीन फ्लोराइन मिल जाएगा। आप ये तीनों पे आप अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अपना बैठा सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेटजी मिले, आपका स्ट्रेटजी अगर बताए एंट्री लेने के लिए तो आप एंट्री लीजिएगा, बट अगर आपको एंट्री नहीं मिल रहा आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से तो एंट्री नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो सब बताया है, ये सब हाईलाइट, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होती है की फीचर, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे निफ्टी 50 क्लोज पे ये सब चीज़ पे क्यों बताया है, और आप लाइव मिनट या फिर गूगल पर सर्च मार लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि किस किस बेसिस पर ये एंट्री बताया। अगर हम बताएं तो इस पर काकि क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि आपको थोड़ी दिक्कत का संभावना हो सकता है, तो इस वजह से आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना शेयर मार्केट के लिए जो गुड न्यूज़ निकल कर आई है ना, गुड न्यूज़ आपको देखने को ये मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो इकोनॉमी की अगर बात करें ना, तो इंडिया डायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्शन जो है वो लगभग 20% बढ़ा है इस क्वार्टर में, यानी कि अब जो हो गया वो 18.9 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 19 ट्रिलियन ही आप इसको मानिए, 19 ट्रिलियन इसका अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इसका हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग अगर देखें, यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाना चाहें कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कलेक्टेड, यहाँ पे आप लोग देखें तो 9.14 ट्रिलियन एज टैक्स कॉरपोरेट इनकम एंड 9.72, यानी कि दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो आपका लगभग 19% के, यानी कि 19 ट्रिलियन के आसपास आपका जाएगा, ठीक है ना, टैक्स पेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फुल न्यूज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना शेयर मार्केट पर थोड़ा पॉजिटिव असर डाल सकता है, क्योंकि 20% पिछले मुकाबले बढ़ा है तो ये छोटी मोटी बात है नहीं, क्योंकि हमेशा 2%, 4% या फिर 5% ऊपर या फिर माइनस या फिर प्लस में जाता है, ठीक है ना। बट इस बार जो है 2024 और इलेक्शन को लेकर के इसको बढ़ाया गया, फिर जो भी चीज़ किया गया है, बट हम लोगों को देखने को पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि मार्केट भी पॉजिटिव देखने को कल मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों ये सब जो न्यूज़ है ना, छोटी छोटी न्यूज़ ही ये सब जो शेयर मार्केट में इंपॉर्टेंट होती है, बट जो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ उन लोगों के लिए है। तो हम लोग स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री और स्टॉप लॉस जो भी टारगेट मिलता है हम उन लोगों के हिसाब से करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अगर बने, कल जो हम 3 शेयर यहाँ पे बताया है, यानी कि मिंट पर जो खबर छपी है, यहाँ पे बजाज फाइनेंस हो गया, गुजरात गैस हो गया और नवीन फ्लोराइन जो हो गया, इस पर अगर आपका एंट्री बने तो आप एंट्री लीजिएगा, अगर आपका एंट्री नहीं बन रहा है तो आप एंट्री नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। अगर आप लोग किसी स्पेशल शेयर के बारे में आप एंट्री स्टॉप लॉस या फिर टारगेट देखना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, तो उस शेयर पर हम लोग वीडियो बनाएंगे स्ट्रेटजी के हिसाब से, लाइव करेंगे उस पर, तो हम लोग आप लोगों के साथ डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।